नमस्कार दोस्तों आपको पता है क्या दोस्तों, जो रानू मंडल है दोस्तों, अब उन पर एक फिल्म बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि नरेंद्र मोदी पर जैसे फिल्में बनी थी, उसी प्रकार दोस्तों अब रानू मंडल पर फिल्म बनाई जा रही है। कौन से डायरेक्टर है जो उनकी फिल्म को बनाएंगे और कौन सी हीरोइन है जो उसमें रानू मंडल का जो रोल है वो निभाएंगी, तो सब कुछ आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ आगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में घंटी का निशान है उसे दबाना मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, जो रानू मंडल जो रेलवे स्टेशन से गाना गाती थी और दोस्तों फिर उन्हें हिमेश रेशमिया की फिल्म में गाना गाने का मौका मिला और अब दोस्तों उन्हीं के ऊपर दोस्तों अब एक फिल्म बनने जा रही है। दोस्तों जो फिल्म बना रहे हैं उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऋषिकेश हैं दोस्तों, ऋषिकेश मंडल है जिनका नाम, और दोस्तों वो रानू की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं, पूरी फिल्म के रूप में दोस्तों उसे दिखाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस रानू मंडल का किरदार निभाएगी ये भी तय कर दिया गया। साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस सुदीप्ता चक्रवर्ती को ये रोल ऑफर किया गया। न्यूज एजेंसी से बातचीत में सुदीप्ता ने बताया कि मुझे फिल्म ऑफर हुई है, हालांकि अभी फिल्म की स्क्रिप्ट मिलना बाकी है, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही मैं तय करूंगी कि मैं इस फिल्म में काम करूंगी या नहीं। और दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर ऋषिकेश ने बताया कि लोग रानू मंडल की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं तो उनके लिए फिल्म जो सोशल मीडिया की ताकत है वो भी वो दिखाएंगे कि कैसे वो रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई। और साथ ही साथ उन्होंने जो फिल्म के सिलसिले में डायरेक्टर ने जो रानू मंडल और उनकी बेटी से मुलाकात भी कर लिए दोस्तों। ये अभी न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों कि अब रानू मंडल पर एक फिल्म बनने जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि रानू मंडल पर फिल्म सही है, तो इस कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।